हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। ये देखिए दो चीज़ें मैंने ली हैं। एक तो ये मनी प्लांट है, गोल्डन पोथोस जिसको कहते हैं, और एक ये है सिंगोनियम, ग्रीन सिंगोनियम। और इसको मैंने बहुत छोटे कंटेनर में लगाया हुआ है, और इसकी प्रूनिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, इसको इन प्लेस रखेंगे इंडोर के लिए। और ये भी मैंने एक एक लीफ से बनाया हुआ था। ये मैंने डेकोरेटिव कंटेनर गोल्डन पोथोस का ये बनाया था 9 मंथ्स पहले, और अब इसका अपडेट भी दिखा दिया है। और मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके बारे में डाल दिया है लिंक, आप देख सकते हैं कि ये कैसे बनाया था। अब क्या हुआ है, इसको बनाए हुए कुछ महीने हो गए तो ये एक लीफ से ग्रो कर गया है, तो अब इनको सबको मैं ट्रिम कर दूंगी और एक्स्ट्रा इसमें लगा दूंगी, ताकि ये बहुत बड़ा ना हो। खाली एक एक लीफ मेरे को चाहिए इसमें, और एक लीफ से बड़ा हो गया है। देखिए ये यहाँ से ये ग्रो कर गया है। ये देखिए ये वाला दिखाती हूँ, ये वाला। तो अब इसको काटते हैं। चलिए शुरू करते हैं, इसकी प्रूनिंग करके सिंपल जैसे पहले था वैसी कर देते हैं। तो सबसे पहले तो इसी से शुरू करती हूँ। ये काट लिया एक, इसको यहाँ रखते हैं, और ये वाला भी थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको भी काट देते हैं। ये बहुत सारे प्लांट्स हैं, बस ये सारे कलेक्ट हो गए, और ये एकदम एक एक लीफ हो गया है, एकदम कट हो गया है। अब इसको इसमें लगाएंगे और इसको देखते हैं कैसे प्रून करते हैं। सबसे पहले तो इसकी जितनी भी लीव्स खराब हो गई हैं, ये मेरे ख्याल में 1-1.5 साल पुराना है। ये देखिए ये एकदम आउट ऑफ प्लेस है, इधर वाला दूर से पता चलेगा, पास से नहीं लगेगा। ये देखिए ये वाली जो है ये एकदम आउट ऑफ प्लेस है, तो इसको यहाँ से ये देखिए ये दोनों मैंने काट दिए। और ये एक लीफ है जो कि यहाँ से कटेगी, ये कट गया, और ये हो गया। अब देखिए अब ये थोड़ा रूली सा है, और इसको क्या करूंगी, इसको अभी तो फिलहाल मैं पानी में डाल देती हूँ। ये और ये हो गया, और ये भी हो गया। अब इसको ये भी पूरा ऐसे ही भर जाएगा, जैसे ये भर गया है ऐसे ये भी भर जाएगा, बहुत क्यूट लगेगा। ये सिंपल टेक अवे कंटेनर है, और इसमें नीचे होल्स किए हुए हैं, और इसकी पॉटिंग सॉइल बहुत ही लाइट ली है मैंने। इसकी पॉटिंग ये देखिए, इसमें ये काफ़ी लंबा हो गया था, तो इसको ऐसे करके लगाऊंगी मैं। इसमें पॉटिंग सॉइल में मैंने कोकोपीट ली है 50% लाइट रखने के लिए, और बाकी अब एक्चुअली मैं पॉटिंग सॉइल में बहुत कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। मेन क्राइटेरिया इसका होना चाहिए कि ये वेल ड्रेन्ड हो, मतलब ड्रेनेज होल पे रुके ना पानी। तो मैंने इसमें 50% तो लिया है कोकोपीट, और बाकी 50% में हाफ हाफ गार्डन सॉइल और वर्मी कंपोस्ट लिया है। ये और परलाइट जो वाइट दिख रहा है ये परलाइट है, ये भी लाइट करने के लिए है। एक ये कंटेनर बन गया, ये भी बहुत लाइट है। अब ये हो गया, अब इसको मैं थोड़ा वाटर कर दूंगी, क्योंकि ये अभी अभी मैंने इसको प्लांट किया है, और पानी करेंगे डालेंगे तो धीरे से डालेंगे टिल द टाइम प्लांट एस्टेब्लिश नहीं हुए। एस्टेब्लिश होने के बाद तो आराम से डाल सकते हैं। ये एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको दिखाया है बना के, कि ऐसे टेक अवे कंटेनर्स में भी, या कोई आपके पास कोई छोटी सी ऐसे कंटेनर्स हैं, इनमें इस टाइप से मनी प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं। और ये तो पूरे विंटर्स में भी अंदर ही था, खिड़की के पास मैंने रखा हुआ है इसको इंडोर, और कुछ दिन बाहर निकाल देती हूँ जैसे बारिश आती है। ये पूरा ट्रिमिंग हो गई इसकी, एकदम क्लीन नीट और शॉर्ट हो गया है, हेयर कट मिल गया इसको एक तरह से। और ये भी एक और कंटेनर इसी से तैयार हो गया,
और ये तो पानी में रहेगा और आराम से रह जाते हैं, सिंगोनियम पानी में भी ग्रो करते रहते हैं। और इसकी भी ट्रिमिंग हो गई और ये भी थोड़ा नीट क्लीन लगने लगा और दोनों इंडोर के लिए अब एकदम करेक्ट हो गए, साइज में भी और शेप में भी अनरूली नहीं लग रहे। मैं ये दोनों की अपडेट आफ्टर 1 वीक दे रही हूँ। ये देखिए, ये जो सिंगोनियम काटा था ये मैंने पानी में रखा हुआ है और ये अंदर रखा हुआ है। मैं अभी वीडियो बनाने के लिए बाहर लेके आई हूँ और इसको लॉन में रख के ले रही हूँ वीडियो इसकी। और ये मेरा वो कंटेनर जिसमें टेक अवे कंटेनर जिसमें वो एक एक लीफ काट के इसमें जो लगाई हैं एक्स्ट्रा, ये आफ्टर एग्जैक्टली 1 वीक। ये देखिए दोनों की ये अपडेट है। तो आई होप ट्रिमिंग ऑफ मनी प्लांट सिंगोनियम्स फॉर इंडोर अच्छा लगा। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।